कोरोना के मामले देश में कम हुए हैं और इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का फिलहाल मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को कहा कि कोविड मामलों में कमी अभी भी बनी हुई है, लेकिन जिस रफ्तार से हम कमी चाहते हैं वैसी कमी नहीं हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। राजेश भूषण ने कहा कि जरूरी है कि हम अभी भी कोविड व्यवहार को बनाए रखें। हम ये भी सुनिश्चित करें कि कोविड वैक्सीनेशन के विस्तार में तेजी से बढ़ावा हो। देश में कोविड वैक्सीन की पहली डोज अब तक लगभग 62 करोड़ लोगों को मिल गई है। दूसरी डोज 21 करोड़ से अधिक लोगों को मिली है। 99% स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज और 84% को दूसरी डोज लगी है। डॉक्टर वी के पॉल, सदस्य स्वास्थ्य नीति आयोग, ने कहा है कि लगभग 2/3 वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की एक डोज लग गई है। 18+ आयु वर्ग के 66% लोगों ने कम से कम एक डोज प्राप्त की है। लगभग 1/4 वयस्क आबादी ने दोनों डोज प्राप्त की हैं। ये एक मील का पत्थर है। 10,000 और 17,000 के बीच में जो कोविड सक्रिय मामले हैं वो 4 राज्यों में हैं, कर्नाटक, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बाकी 30 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 10,000 से कम सक्रिय मामले हैं।